What you doing, Norm? Alongside Richie Rich, Kira Neva. To take it, two of them. सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस, आप कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग बीट स्नैक स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है काइन मास्टर। तो गाइस, आपको काइन मास्टर आपको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको करने के यहाँ पे आपको अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसा गाइस देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस आपको करने के आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे 9x16 का साइज सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करना है, और यहाँ पे नीचे की ओर आपको आ जाना है, और यहाँ पे इसकी फोटो ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे 0.6 कर लेना है। 0.6 करने के बाद ही सबको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस सीधे आप मीडिया पे आओगे। तो मीडिया पे आने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली गाइस आपको यहाँ पे अपनी सभी पिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी 31 पिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको काउंट कर लेना है, और अपनी 31 पिक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं गाइस अपनी 31 पिक को इस तरीके से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपको भी अपनी इस तरीके से 31 पिक को आपको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेना है, और आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गाइस अपनी 31 पिक को सिलेक्ट कर लिया है। 31 पिक सिलेक्ट करने के बाद ही सबको अब करने के अब गाइस आपको यहाँ पे एक ऑडियो ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस मैं एक वीडियो का ऑडियो निकालने वाला हूँ। तो गाइस आपको उस वीडियो को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद गाइस आपको वहाँ से जाके ये वाला वीडियो डाउनलोड कर लेना है। वीडियो डाउनलोड करने के बाद ही सबको लेयर पर क्लिक करना है, देन आपको मीडिया पर चले जाना है, और मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ये वाला वीडियो अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो वीडियो आपने अभी डाउनलोड किया है। सिलेक्ट करने वाले सबको नीचे एक्सट्रेट ऑडियो का ऑप्शन पे आपको चले जाना है। तो यहाँ पे एक्सट्रेट ऑडियो के ऊपर क्लिक करके इसका ऑडियो आपको निकाल लेना है, और ऑडियो निकालने के बाद ही सबको इस वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। वीडियो डिलीट करने के बाद ही सबको आप करने के इन दोनों उंगलियों से प्रेस करके इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी लेंथ को इस तरीके से बढ़ा लेना है। तो इस तरीके से बढ़ाने के बाद ही सबको करने के आपको यहाँ पे इस पहली वाली पिक की लेंथ को खींच के आपको इधर पे लेके आ जाना है। तो इसकी लेंथ को आपको यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेना, और इसकी लेंथ को आपको 0.890 तक कर लेना है। तो यहाँ पे 0.890 तक करने के बाद ही सबको यहाँ पे करने के यहाँ पे आपको अपनी 9 पिक को छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको काउंट कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 पिक काउंट करने के बाद ही सबको यहाँ पे करने के अपनी 10वीं पिक के ऊपर क्लिक करना है, और उसको खींच के इस तरीके से इसकी लेंथ को आपको यहाँ पे लेके आना है, जहाँ पे आपका बीट आएगा। तो यहाँ पे आप ओपन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है, इस तरीके से यहाँ पे इस बीट तक आपको मैच करा देना है। तो इस तरीके से मैच कराने के बाद ही सबको तो यहाँ पे गाइस मैच कराने के बाद ही सबको यहाँ पे अगली पिक पे क्लिक करना है, और इसकी लेंथ को इस तरीके से कम कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी 4 पिक पे क्लिक करके इस तरीके से अपनी 4 पिक की आपको लेंथ को इस तरीके से आपको यहाँ पे कम करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी 4 पिक को काउंट करके उसकी लेंथ को आपको कम कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपनी 4 पिक की लेंथ को खींच के यहाँ पे कम कर लिया है। कम करने के बाद ही सबको 4 पिक की लेंथ कम करने के बाद ही सबको यहाँ पे अगली 5वीं पिक पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 5वीं पिक पे आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद ही सबको इसकी लेंथ को खींच के आपको यहाँ पे इतना अंग लेके आ जाना है। तो यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से इसकी लेंथ को आपको इस वाले बीट तक आपको लेके आना है, जहाँ पे आपका ये बीट आएगा। इसको ओपन करके तो यहाँ पे गाइस बीट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इस वाली पिक की लेंथ को इस तरीके से 1.209 तक आपको इसकी लेंथ को कर लेना है, और करने के बाद ही सबको करना ही है। देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, तो इस तरीके से बीट पे मैच होने के बाद ही सबको अगली पिक पे क्लिक करना है, और इसको भी हल्का सा बढ़ा देना है, जिससे ये बीट पे मैच हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बीट पे मैच हो गया।
अपना बीट मैच हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये सभी पिक का बीट मैच करा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी अपनी सभी पिक का बीट को मैच करा लेना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो इस तरीके से इन सभी पिक की लेंथ को आपको इस तरीके से बीट के हिसाब से इनको मैच करा लेना है। मैच कराने के बाद ही सबको आप करने के सिंपली गाइस आपको यहाँ पे इस लास्ट वाली पिक के ऊपर क्लिक करना है और इसकी लेंथ को आपको कम कर लेना है। कम करने के बाद इस आपको स्टार्टिंग पे आना है और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको आप करने के सिंपली गाइस आपको इन पे, तो यहाँ पे गाइस स्टार्टिंग पे आ जाना है और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करने के इन सब पे आपको क्लिप ग्राफिक्स ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको पहली वाली पिक के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली गाइस आपको यहाँ पे बीट स्नैक से जाके आपको ये स्विच लाइंस वाला क्लिप ग्राफिक्स आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर गाइस आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है किस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है, तो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच लाइंस वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये पाँचवें नंबर वाले पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने वाले सबको यहाँ पे टिक करना है और आपको यहाँ पे इस वाली पिक पे क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपली इन एनिमेशन वाले पे जाना है और आपको यहाँ पे नीचे को आना है। यहाँ पे आपको 13 नंबर वाले को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने वाले सबको अगली पिक पे क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है और फिर से इन एनिमेशन पे जाके अब आपको यहाँ पे 13 नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आपको इस तरीके से क्लिप ग्राफिक्स आपको यहाँ पे ये 13 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को आपको इस तरीके से ये वाली पिक तक आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपने जहाँ तक ये बड़ी पिक की लेंथ को आपने किया था इस पिक के ऊपर अपना क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाके इसके भी इन एनिमेशन पे जाके ये 15 नंबर ये 13 नंबर वाले को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस इस तरीके से आपको ये इस बड़ी लेंथ वाली पिक तक आपको ये वाला क्लिप ग्राफिक्स ऐड करना है। ऐड करने का देश आपको अब करने के अब आपको ये जो आपने चार पिक ऐड की है इन पिक के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाके अब आपको यहाँ पे करने के इन एनिमेशन पे जाना है और आपको यहाँ पे नीचे को आ जाना है। यहाँ पे 8 नंबर का सिलेक्ट कर देना है, फिर से अगली पिक पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे जाना और यहाँ पे इन एनिमेशन पे जाके आपको ये 8 नंबर वाला सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपकी ये जो चार पिक ही आपको इन चारों पिक पे ये 8 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने इन सभी पे ये चारों पिक पे ये 8 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपकी अब जो नेक्स्ट पिक आएगी जो बड़ी लेंथ की पिक है उस पिक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है और आपके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कैम मोशन वाला क्लिप ग्राफिक्स आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ही सबके शेक इफेक्ट वाले आपको क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने से आपको अब जो भी आपकी अगली पिक पड़ेंगी उस पिक के ऊपर अपना क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाके आपको यहाँ पे बीट स्नैक से जाके कॉल मी डीजे का क्लिप ग्राफिक्स से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ही सबके चौथे नंबर को सिलेक्ट कर देना है। वैसे अगली पिक पे क्लिक करना है और क्लिप ग्राफिक्स पे जाके आपको यहाँ पे कॉल मी डीजे पे जाना है और ये चौथे नंबर वाले को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपकी जितनी भी आप पिक हैं आपको इन सभी पिक पे ये कॉल मी डीजे का क्लिप ग्राफिक्स नंबर आपको चौथे वाला आपको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं गाइस इन सभी पिक पे ये वाला 4 नंबर का क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर दे रहा हूँ। तो आपको भी यहाँ पे लास्ट की अपनी सभी पिक पे क्लिप ग्राफिक्स पे जाके कॉल मी डीजे का ये चौथे नंबर वाले क्लिप ग्राफिक्स को आपको इन सभी पिक पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से इन सभी पे ये वाला कॉल मी डीजे का चौथे नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर दिया हूँ। तो आप भी अपनी इन सभी पिक पे ये वाला क्लिप ग्राफिक्स को ऐड कर लेना है। तो जैसे गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। तो ऐड करने के बाद गाइस आपको स्टार्टिंग पे आना है और स्टार्टिंग पे आने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली गाइस आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद गाइस आपको करने के सिंपली गाइस आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद ही आपको करने के इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद ही सबको स्टीरॉइड पे क्लिक करना है और इसको आपको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है। फुल स्क्रीन पे ऐड करने के बाद ही आपको यहाँ से होना है बैक और इसके ऑडियो ऑप्शन पे जाना और इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। ऑडियो म्यूट करने के बाद ही आपको यहाँ से हो जाना है बैक और बैक होने के बाद ही आपको इसकी ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाना और इसको आपको स्क्रीन कर देना है।
स्क्रीन करने के बाद ही आपको यहाँ से होना है बैक और इसकी एडजस्टमेंट पे जाके इसका कॉन्ट्रैक्ट और सिचुएशन बढ़ा देना, और बढ़ाने के बाद ही आपको यहाँ से होना है बैक और इसके लास्ट के ऑप्शन पे आना है और इससे टेम्पलेट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ही आपको कैंची का ऑप्शन पर क्लिक करना है और ट्रिम ट्रैड प्लेट करके इसका एक्स्ट्रा भाग आपको कट कर देना है और इसके स्टार्टिंग पे आ जाना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, देन आपको मीडिया पे चले जाना है और मीडिया पे जाने के बाद भी आपको यहाँ पे एक ये वाला फुल स्क्रीन बॉर्डर पीएनजी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अगर इसको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद ही आपको इस थ्रीडॉट पे क्लिक करके इसको आपको फुल स्क्रीन पे ऐड कर देना है और इसकी लेंथ को खींच के आपको लास्ट तक आपको लेके चले जाना है। लास्ट तक लेके जाने के बाद गैस दे सकते हैं वीडियो बन के कम्प्लीटली तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं गैस आपको इसको एक बार इसका ओपन करके प्रीव्यू आपको दिखा देता। तो जैसा गैस दे सकते हैं वीडियो काफ़ी कमाल का बन गया है। तो गैस इस वीडियो को सेव करने के लिए आपको करने क्या होगा, सिंपली गैस आपको ऊपर की ओर एक एरो का ऑप्शन मिल रहा है तो एरो के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद गैस आपको यहाँ पे 1080 रेशो सिलेक्ट कर लेना है और ब्राइटनेस हाई करके इसको आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही गैस आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गैस आपका वीडियो सेव होने लगेगा। तो जैसे ही लाइन पूरी हो जाएगी तो गैस आपका वीडियो बन के गैलरी पे सेव हो जाएगा।